अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो ये मैं अपना सेकंड व्लॉग आपके साथ ईरान का शेयर कर रही हूँ, और माय जर्नी टू ईरान पार्ट टू का व्लॉग है ये। और इसमें कुछ शॉट्स हैं वहाँ तक कुम पहुँचने तक के। जब हम कुम पहुँचे तो पहले तो शुक्र किया मौला का, खुदा का। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कुम पहुँच गए ईरान, और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं नीचे लंच करने, उसके बाद नमाज पढ़ने जाएंगे हरम में बीबी के दरवाजे पर। और महारुख अभी पीछे हैं। महारुख, यस आई एम कमिंग। तो इंशाल्लाह हरम जाके आप सब के लिए दुआ गो होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट ज़ियारत है कि जो हम बीबी मासूमा कुम की करने जा रहे हैं। और हेलो यार, तो हमारी बीबी का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि अपनी ज़ियारत को बुलाया। और इस वक्त मैं सामने हूँ शुक्र खुदा, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मासूम है कुम के रोज़े के सामने, और मेरी इन गुनहगार आँखों ने इस पाक रोज़े की ज़्यारत की है अभी। और अभी हम अंदर जाएंगे मारूफ। मारूफ, ये कौन सा सहन है? अस्सलाम वालेकुम या बीबी मासूम माई कुम। माशाल्लाह यू कैन सी द कैप्टिविटी। यार मैं उड़ जाऊंगी मुझे देर में ना। जब इस दरवाज़े को देखा तो कैफियत नाकाबिल इजहार थी दिल की, कि जो आज तक ख्वाबों में ही सोचा था और तस्वीरों में ही देखा था और लोगों से सुना था, वो हमारी आंखों के सामने खूबसूरत मंजर था। What's your name? No name? No name? Isma? Rehan Behesh. Isma? Isma chiye? Bogo Rehanas? Isma chiye? Boland bogo beshnave. I think she's shy, but she is kinda cute. For me? Thank you so much. Ye hai kya?